हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डाटा रिकवरी से रिलेटेड। कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा। मेरे पास दुकान पर काफ़ी बार कस्टमर आते हैं कि भैया मेरे फ़ोटो डिलीट हो गए हैं, मेरे वीडियोस डिलीट हो गए हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे वो डिलीट हो चुके हैं, तो वो उनको वापस कैसे लाना है मोबाइल के अंदर, उसके बारे में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको एक जेन्युइन ऐप के बारे में बताऊंगा, जेन्युइन तरीके से बताऊंगा, आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, फोटो जब भी हम अपने स्मार्टफोन में डिलीट मार देते हैं तो वो फोटो जाते कहाँ हैं? वो फोटो जाते हैं हमारे फ़ोन के प्रोग्राम के अंदर चले जाते हैं, उसकी रजिस्ट्री के अंदर चले जाते हैं। ये जब तक वहाँ पड़े रहते हैं, जब तक आप अपने स्मार्टफोन को, अपने मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट नहीं कर देते, जब तक ये आपके मोबाइल फ़ोन में रहेंगे। और अगर आपने अपना मोबाइल फॉर्मेट नहीं किया है तो दोस्तों ध्यान से देखना वीडियो को, आपके फ़ोटो मैं रिकवर करा के दूंगा। ये मैं आपको आज ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आपको उसी पर समझाऊंगा कैसे आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों करते रहना, जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही करना। जो मैं बताऊंगा तो जिस ट्रिक से मैं वो ऐप निकालूंगा उसी ट्रिक से आपको वो ऐप निकालनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर आप सिंपली प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर आपको खोल लेना है। इसके बाद सर्च बार में आप जो मैं आपको सर्च करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, वही सर्च करना। दूसरा और कोई नाम सर्च मत करना, न वरना अलग अलग एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएंगी, कोई फेक आ जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आ पाएगा। आप इस पर सिंपली लिख दीजिए रिसाइकल बिन। ये रिसाइकल बिन आ चुका है ऊपर, इस पर आप टैप कर दीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर जो ऐप आएगी आपकी, 4.3 रेटिंग इसकी है, 15 MB की ऐप है, 5 मिलियन प्लस डाउनलोड हो रखे हैं इसके, तो आप इसको डाउनलोड आपको करना है। ठीक है दोस्तों, और ऐप अभी मत करना आप कोई भी, सिर्फ़ आपको ये एक ही ऐप चाहिए होगी, इसी से आपका सारा काम बन जाएगा। आप इंस्टॉल कर लीजिए इसको, ये इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी से। चलिए इंस्टॉल होने के बाद बताता हूँ आपको। ये हो गई है इंस्टॉल, इंस्टॉल हो गई दोस्तों। अब इसके बाद इसको सिंपली आप ओपन कर लीजिए राइट के निशान पर। अब उसके बाद लेट्स स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा आपके मोबाइल के अंदर से फ़ोटो निकालने की, आपके मोबाइल के प्रोग्राम के अंदर से फ़ोटो वीडियो को लेने की, तो आप अलाउ कर दीजिए इसको। इसके बाद फ़ोटो चाहिए तो फ़ोटो पे टिक कर दीजिए, वीडियो चाहिए तो वीडियो पे टिक कर दीजिए। मैं फ़ोटो पे टिक कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार। फोटो टिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसको होने देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा। ये सारे फ़ोटो, जितने फ़ोटो होंगे, सारे पुराने पुराने फ़ोटो जो डिलीट हो चुके थे आपसे, उनको सबको ये रिकवर कर देगा। थोड़ा समय ले लेगा बस। ये 91 फ़ोटोज़ आ चुके हैं और 19 फोल्डर इसने रिकवर किए हैं। अब इन फोल्डर्स के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से फोल्डर। गेट्स ओल्डर, इमेज, फ़ोन, ये बहुत सारे फ़ोटोज़ इसने निकाल दिए हैं, काफ़ी पुराने पुराने। मैं इनको थोड़ा ब्लर रखूँगा क्योंकि मेरे पर्सनल फ़ोटो हैं ये। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान था अपने फ़ोटो वीडियो को वापस लाना। तो दोस्तों ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, कोई ऐप आपको डाउनलोड नहीं करनी, आप इसी ऐप, एक ही ऐप की मदद से आप अपने फ़ोन में फ़ोटो वीडियोज़ आपके डिलीट हुए वो वापस आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंटरनेट पर, आप सीधा आपके मोबाइल फ़ोन ब्राउज़र पर आ जाएगी, यूट्यूब के ब्राउज़र पर मेरी वीडियो सामने आएगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, मैं आपको नॉलेज देता रहूँगा क्योंकि मैं एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता हूँ, तो आपको दोस्त जेन्युइन जानकारी मैं दे सकता हूँ। मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताया करूँगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।